हेलो फ्रेंड, दिस इज आशुतोष शुक्ला फ्रॉम प्रगति नोट्स। और आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल SC रिजल्ट, जो यूट्यूबर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं और गेस वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे यूट्यूबर्स और फेक न्यूज़ और गेस वर्क करने वालों को पहले तो मुझे मन करता है कि बहुत ज़्यादा जूते मारूं। ठीक है, आज संडे है, ये बताओ यूट्यूबर्स जितने भी तुम लोग हो साले, कि ये न्यूज़ लाते कहाँ से हो? तुम्हारे काका हैं, खाला का घर बना रखे हो यूपी ट्रिपल SC में? कौन है तुम? तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारे बाबू हैं, कौन है बे, बताओ थोड़ा। तो ये अंदर तुम्हारे जो यूपी ट्रिपल SC में रखे हो, न्यूज़ फैला रहे हो, लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हो कि आ जाएगा रिजल्ट, ये आ जाएगा, 4 रिजल्ट आ जाएगा, 5 रिजल्ट आ जाएगा, 8 रिजल्ट आ जाएगा, कहाँ से आएगा रिजल्ट, कौन बता रहा है? आज तो संडे को ऑफिस है, 28 तारीख को जो है आयोग में अध्यक्ष जी आएंगे। वो इसलिए आएंगे कि अपना उनको सैलरी पास कराना है और उसके लिए 1-2 रिजल्ट जरूर देंगे वो। और 1-2 रिजल्ट में युवा विकास कल्याण अधिकारी का जो है वेटिंग लिस्ट आने वाली है। ठीक है, और ये मैंने ही बताया था, और इसी को तुम लोग जो है फैला रहे हो, इसी को तुम लोग फैला रहे हो। संडे वाले दिन तुम लोगों को न्यूज़ मिल जाती है, और 1-2 लोग तो धन्य हैं भैया, वो रोज़ बनाते हैं, 3-3 वीडियो बनाते हैं और तीनों वीडियो में अलग अलग चीज़ करते हैं। और लेखपाल की वैकेंसी बहुत लोग निकलवा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि तुम DM ही हो, कलेक्टर बन गए हो एकदम, पूरा हर जगह के कलेक्टर तुम ही हो। तुम ही बताओगे कि ध्याचन कब जाना है। तुम लोगों ने तो जनवरी से ही निकाल दिया था लेखपाल पे, मतलब कि इतना समझ लो कि बच्चे जो दे रहे हैं वो तो डिस्परेट हो ही जा रहे हैं, और प्लस आम पब्लिक में मैसेज ये जा रहा है कि लेखपाल की वैकेंसी आ रही है। तुम लोग इतना ख़राब कर रहे हो, तुम लोग गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो कि आम पब्लिक में ये मैसेज आ चुका है कि भैया हम तो यूट्यूब में देखे थे वैकेंसी आ रही है, जनवरी से ही आ रही है। तो तुम लोग क्या करना चाहते हो पहले ये तो क्लियर कर लो। तुम लोग व्यू के लिए कितने लोगों के इमोशंस के साथ खेलोगे? हाँ, यही करते रह जाओगे ज़िंदगी में, कुछ बनोगे बनोगे नहीं। और यूट्यूब से बहुत नहीं होता है, स्टडी तुम लोगों का चैनल है, ठीक है, 1 मिलियन व्यू पे $100 बनते हैं, 7,000 रुपया। 1 मिलियन व्यू नहीं, 10 मिलियन व्यू पे तुम्हारा जो है तुमको कुछ मिलेगा, 3 मिलियन व्यू पे तुम्हारा $100 बनेगा। ठीक है, यूट्यूब छोड़ दोगे, बहुत ज़्यादा दिन तक यूट्यूब चलने वाला नहीं है ये। ठीक है, ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसके जो सहारे हो ना छोड़ ओड़ दो। ये फेक वेक जो न्यूज़ तुम लोग फैला रहे हो, सिर्फ एक वीडियो बनाएगा, फिर उसके बाद देख के दूसरा बनाएगा, दूसरा देख के तीसरा बनाएगा, और किसी का सच नहीं होगा, है ना। तो ये मेरा जो है स्ट्रिक्ट मैसेज है तुम लोगों का, नहीं तो तुम लोगों का जो धज्जियाँ हैं ना वो मैं ही उड़ाऊँगा। ठीक है, चलो ये मैसेज था, और उम्मीद करता हूँ कि यूट्यूबर्स के पास पहुँचेगा तो वो थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि देखो भाई, हम जो यहाँ पे ये मैसेज दे रहे थे यूट्यूबर्स को, ये आप लोगों के लिए ही दे रहे थे, क्योंकि वो आप लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं और आप लोगों की पढ़ाई चौपट हो रही है, मुझे ये बिल्कुल पता है। जो आप लोग इतना आशावादी हो जाते हैं, हर रोज़ सोचते हैं कि चलो चौथे दिन आ जाएगा, पाँचवें दिन आ जाएगा। और एक चीज़ और, बायकॉट अमर उजाला न्यूज़ का जो सेक्शन है ना, जो अमर उजाला की एक भी न्यूज़ सही नहीं हुई है 2016 के बाद से, 16 क्या 17 के बाद से। ठीक है, और हर वैकेंसी निकाल रहा था, याद करो तुम लोग, कि ईओ की वैकेंसी जो है 400 वैकेंसी निकलवा रहा था ईओ की, 90 आई वैकेंसी। ठीक है ना, ठीक है ना, जब नगर पालिका नगर निगम का इलेक्शन हो रहा था तभी से। तो ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, अमर उजाले की न्यूज़ को पहले तो काट दिया करो, जहाँ भी मिले अमर उजाला जो न्यूज़पेपर उसको बायकॉट करो, फाड़ के फेंक दो। ठीक है, कि लोगों को भी समझ में आए कि सही न्यूज़ दिखाएंगे तो ही हम देखेंगे, तो ही हम पढ़ेंगे, तो ही हम बाई करेंगे। ठीक है, जैसे ही उनकी सेलिंग कम हो जाएगी न्यूज़पेपर की, उनको एडवर्टीजमेंट भी मिलना कम हो जाएगा। ठीक है, दैनिक जागरण थोड़ा ऑथेंटिक है, दैनिक जागरण में कुछ न्यूज़ सही आ जाती है। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।